और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को पटना में लोकप्रिय समाज सेविका डॉक्टर प्रियंका सिन्हा द्वारा निशुल्क डेंटल कैंप लगाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने माने चिकित्सक डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा थे। उन्होंने समाज सेविका डॉक्टर प्रियंका सिन्हा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस डेंटल मेडिकल कैंप में हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रियंका जी और उनके साथ के पति दीवान चंद्र जी समाज सेवा में अपना एक कीर्तिमान पटना में स्थापित कर चुके हैं और लगातार इनकी समाज सेवाओं से कहीं कहीं मैं जुट जाता हूँ और जुट जाता हूँ तो खुशी होती है, तब लगता है कि कितना ज़्यादा कर रहे हैं। आज इन्होंने समाज सेविका के रूप में अक्सर लोगों के बीच में जाते आते हैं, तो जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं एक छोटा सा माध्यम बनते हैं कि सहायता मिल सके, तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारा कार्यक्रम किए, वैक्सीनेशन और हर तरह का। तो दंत चिकित्सा बहुत ज़रूरी, जैसे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को दांत का समस्या तो होता ही है, तो लगा कि एक कैंप ये भी। और डॉक्टर श्वेता जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा दिखाई, तो ये आज कैंप हो रहा। और आप लोग का बहुत धन्यवाद मीडिया का कि इस तरह का कार्यक्रम होता है और आप लोग सबको बताते दिखाते हैं। और डॉक्टर गोपाल प्रसाद और सुनील भैया, डॉक्टर सुनील भैया इनका हमेशा अभिभावक के रूप में मोटिवेट करते हैं ये हमको, तो यही सब एनर्जी मिलता है यहाँ से। और बाकी हमारे सब सामाजिक कार्यकर्ता भैया लोग आप इस कार्यक्रम में सहयोग किनका किनका रहा? डॉक्टर श्वेता मेन रूप से, तो वही आज डेंटिस्ट सुनी के सौजन्य से हो रहा है। बाकी डॉक्टर गोपाल प्रसाद सुनील भैया हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं भाजपा के। और जन औषधि का भी आज हम लोग रखे हैं स्टॉल कि गरीब जो प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जन औषधि योजना, तो 70% कम दाम में मार्केट में जो दवाएं हैं उससे 70% कम दाम में ये दवा मिलता है तो लोग तक पहुंचे। ये सारा चीज़ मतलब मल्टीपर्पस लोगों को आज सहयोग दें, आशीर्वाद है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर आए और मुझे प्रमोट करें और मुझे ब्लेस करें, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात जो डेंटल प्रॉब्लम है, जो डेंटल प्रॉब्लम के इनिशिएशन की कैसे आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर दांत अगर सही रहेगा इन ओरल कैविटी इज़ अ गुड देन अदर जो भी आपके इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो गुड, तो वो सब चीज़ में देखना है। दांत का ये नहीं कि नॉर्मल सा बीमारी आप दांत से छोड़ देते हैं, जनरली अवेयरनेस प्रोग्राम, माई मोटो इज़ अ ओरल डेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयर करना पेशेंट को कि आप अवेयर होइए और अपने ओरल हेल्थ पे ये करिए। अगर आपका ओरल हाइजीन सही है दैट इज़ आपका डायबिटिक सही है, कार्डिक प्रॉब्लम जो हार्ट के है, बीपी है, ये सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं, महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपका ओरल कैविटी में बैक्टीरिया जो आप इनहेल कर रहे हैं अगर वही आप हेल्दी फूड खा रहे हैं तो वही चीज़ अंदर जाता है, तो सबसे पहले हाइजीन मेंटेन है तभी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। अगर यहाँ सही है बाकी सब कुछ सही है, तो ये मेरा मोटिव है ओरल हेल्थ अवेयरनेस करने का, लोगों में जागरूकता जो हमारे यहाँ नहीं है। मैं देखती हूँ बेशक दांत का ही तो दिक्कत है, छोड़ते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए, अवॉइडनेस भी लोग करते हैं, बहुत अवॉइड करना है, स्मोकिंग करना है, स्ट्रेस ले रहे हैं फिर भी और कैंसर हो रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर डेंटिस्ट से मिलिए, कोई भी कैंसर का जो भी है ये चीज़ ना हो, एक समय रहते पता चले कि आपको क्या है, कहीं भी अगर अगर ऐसा सुविधा मिल रहा है तो ज़रूर जाए और अपना हेल्थ चेकअप के लिए एक बार डेंटिस्ट से मिले। नाम बताइए? डॉक्टर श्वेता। थैंक यू।